शख्स कोई भी हो, लेकिन जब जब हिंदुत्व और उसकी संस्कृति पर सवाल उठेगा, लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। ये हिंदुस्तान में अक्सर देखने को मिलता है। भले ही आपकी कितनी भी फैन फॉलोइंग क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया तो इस देश के लोग अब धूल चटा देते हैं। बस यही भूल कर दी एबीपी की न्यूज एंकर ने। उसके बाद लोगों ने उन्हें जमकर लताड़ा। दरअसल एबीपी न्यूज एंकर शोभना यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से गुरुकुल पद्धति और वैदिक मंत्रों पर नेगेटिव टिप्पणी कर दी। उन्होंने लिखा, वैदिक मंत्रों को पढ़कर नौकरी नहीं मिलती। शोभना ने हिंदू होने पर गर्व होने से पेट नहीं पलने जैसी भी बात कही। इस ट्वीट पर शोभना यादव को काफी फजीहत झेलनी पड़ रही है। गिने चुने समर्थकों के बीच कई यूजर्स ने उन्हें संस्कृत गुरुकुल और वेद मंत्रों के फायदे बताए हैं और कईयों ने उनकी मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि अभिलिप्सा पांडा नाम के एक यूजर ने गुरुकुल का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में कुछ बच्चे वेद मंत्रों का पाठ करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के बीच में उनके गुरु भी दिखाई दे रहे हैं। यूजर ने इस वीडियो में कैप्शन दिया, ये दृश्य है हमारे गुरुकुल का, जहां आप देख रहे हैं वैदिक मंत्रों का सस्वर वाचन। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय श्री राम, जय गोविंदा। इस ट्वीट पर कई लोगों ने गुरुकुल और वैदिक मंत्रों की तारीफ में अपने अपने विचार रखे। एबीपी की एंकर ने इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा, बहुत अच्छा है, पर सच ये भी है कि इन वैदिक मंत्रों को पढ़कर कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। परिवार पालने के लिए या तो पंडित बनना पड़ेगा या संत बन किसी आश्रम में शरण लेनी पड़ेगी। काश सिर्फ हिंदू होकर गर्व करने से नौकरी मिल जाती और पेट पल जाता। शोभना यादव के इस ट्वीट पर भले ही उनके कुछ गिने चुने समर्थक आए हों, पर अधिकतर लोगों ने उनका विरोध ही किया है। वेरीफाइड ट्विटर हैंडल ट्रोल इंडियन पॉलिटिक्स ने समाज में पत्रकार और पंडित का बराबर रोल बताया। यूजर ने खुद को गुरुकुल का छात्र बताते हुए एक अच्छा बिजनेसमैन भी बताया। वहीं पत्रकार शिवम शुक्ला ने पंडित बनना कोई बुरी बात ना कहते हुए वैदिक मंत्रों से किसी के आर्मी में जाने और प्रोफेसर बनने के भी रास्ते खुले बताया। वैदिक मंत्रों को पढ़ना आत्मसंतुष्टि का भी कारण बताते हुए शुभम ने शोभना को किंतु परंतु से बचने की सलाह दी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आकाश मिश्रा ने शोभना को असहिष्णु बताते हुए वैदिक मंत्रों से उनकी दिक्कत पूछी। एक अन्य यूजर सुधीर विश्नोई ने कहा, गुरुकुल में पढ़े लड़के जब किसी बड़े पद पर जाते हैं तो उनके पास हिंदुत्व के ज्ञान का भंडार होता है। वहीं राजेंद्र सिंह ने शोभना को संकीर्ण मानसिकता वाली बताते हुए लिखा कि क्या मदरसे बंद कर देने चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता अमीक जामई ने सवाल किया, अगर पंडित नहीं होंगे तो शादी ब्याह और मरने जीने के कार्यक्रम कौन करवाएगा। भले ही शोभना यादव संस्कृत और वेद मंत्रों को पढ़ना बेरोजगारी से जोड़ रही हूं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। न जाने कितने लोग संस्कृत विद्यालय और गुरुकुल में पढ़कर IAS PCS बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। शोभना को ये बोलने से पहले इतिहास खंगाल लेना चाहिए, तब शायद उनको ऐसी लताड़ न पड़ती। इसलिए कहा गया है कि पत्रकार को फैक्ट सामने रखकर बात करनी चाहिए, नहीं तो कब उनको उनकी ही बात पर भारी पड़ जाए कुछ नहीं पता। कुछ लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं। शोभना के इस ट्वीट पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। VK News, राष्ट्र के नाम।